नमस्कार, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानहर को निम्ति वरदान। वेवेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 15 दिनों के लिए लगाया गया कंप्लीट लॉकडाउन। सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि हम महामारी को फैलने से रोकने के लिए रविवार को सुबह 6 बजे से 30 मई की शाम 6 बजे तक सख्त कदम उठा रहे हैं। इस अवधि के दौरान सभी सरकारों और निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। 15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट गाड़ियां, टैक्सी, बस, मेट्रो, रेल, लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। ई कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने, होम डिलीवरी की सेवाओं को मंजूरी दी गई है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। सब्जी बाजार, फल, पाव रोटी, दूध, मोदी खाना आदि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुले रहेंगे। मिठाई दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगी। दवाई और चश्मे की दुकानें नियमित खुल सकेंगी। प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सियों को सिर्फ मरीजों के लिए आने ले जाने की छूट होगी। सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। कारखाने भी बंद रहेंगे। मिलों में 30% मजदूर काम करेंगे। शादी समारोह में 50 और दह संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। सिक्किम में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच 17 मई से एक हफ्ते का लॉकडाउन। तो 24 घंटों में सामने आए 215 नए मामले, 5 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तबाही मचाई हुई है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर पर मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच 24 घंटों में 215 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए, वहीं 5 लोगों की मौत हुई। बढ़ती संक्रमण के मद्देनजर सरकार के द्वारा 17 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार के द्वारा बताया गया कि जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर और टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, बाकी सब कुछ लॉक रहेगा। इस बीच 24 घंटों में राज्य के पूर्व जिले में 115 मामले, दक्षिण जिले में 51 मामले, पश्चिम जिले से 44 और उत्तर जिले से 6 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3010 पहुंच चुकी है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 7644 पहुंच चुकी है। राज्य में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 203 और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 11007 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर विधायक शंकर घोष ने चलाया जागरूकता अभियान। सिलीगुड़ी शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने शहरवासियों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। विधायक घोष ने आज सिलीगुड़ी के बागराकोट के विभिन्न इलाकों में माइकिंग कर लोगों को कोरोना के बारे में सावधान किया। बाद में मीडिया से बातचीत में शंकर घोष ने कहा कि उनका मुख्य मकसद लोगों को कोरोना के बारे में सावधान व जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे जिले में 5000 से अधिक कोरोना के एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा अस्पतालों में बेडों की संख्या काफी कम है। साथ ही उन्होंने कहा काफी संख्या में लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। इस बीच वहां व्यक्ति काफी संख्या में दूसरे लोगों को
संक्रमित कर चुका होता है। विधायक शंकर घोष ने कहा कि जिला प्रशासन एवं जिला स्वास्थ्य विभाग किस तरह के नियम अपना रहा है यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन से बेहतर स्वास्थ्य परिसेवा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर लोगों को कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य नियमों का गंभीरता से पालन करने का अनुरोध। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সচেতনতা। এটা আমরা প্রায় প্রত্যেকই বুঝতে পারছি যে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। 5000-এরও বেশি মানুষ হচ্ছে ইতিমধ্যে অ্যাক্টিভ রোগী হিসাবে জেলায় রয়েছে। আমার জেলায় বেড কম, নার্সিং হোম প্রাইভেট সেফ হোম মিলেও এই সংখ্যা হচ্ছে রাখা সম্ভব নয় বা চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়। আর উল্টো দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন সিমটমস আছে তারা টেস্ট করছেন না, যখন টেস্ট করছেন ফলাফল আসতে এত সময় লাগছেন তারা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, অনেকেই আছেন অ্যাসিমটোমেটিক তাদের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। হোম আইসোলেশনে যারা আছেন এর আগের বার পুরো পরিবার সমেত আমি দেখিনি যে আক্রান্ত হতে, কিন্তু এবার দেখতে পাচ্ছি নানা ধরনের বিষয়গুলো সামনে এসছে। দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমাদের জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন এই ক্ষেত্রে কি ধরনের নিয়মাবলী নিয়ে তারা এগোচ্ছে এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। তাই একদিকে যেরকম প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আরেকদিকে আমার অনুরোধ থাকবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে, নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে, সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন, নাকের উপর থেকে নিচে 6 ফুটের বেশি দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলুন, বেশিক্ষণ কথা বলবেন না, স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন, বাড়িতে গিয়ে পোশাক দ্রুত পাল্টে ফেলবেন, সাবান দিয়ে হাত ধোবেন, চেষ্টা করবেন কোনো ধরনের যদি কোনো সিমটমস যদি দেখা যায় দ্রুত টেস্ট করতে। যতক্ষণ টেস্টের রেজাল্ট না বেরোচ্ছে ততক্ষণ আপনারা বেরোবেন না, বাড়িতে থাকবেন। যদি হোম আইসোলেশনে থাকে পরিবারের থেকে দূরে থাকবেন যাতে তাদের মধ্যে সংক্রমণ না হয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন হচ্ছে হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া হয়েছে প্রশাসন জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন কর্পোরেশনের থেকে। কাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে সম্পূর্ণ লকডাউন হরকত মে পুলিশ। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आंशिक लॉकडाउन के बाद रविवार से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। कल अर्थात 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। दूसरी ओर कल से राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान के बाद शनिवार को सिलीगुड़ी थाने की पुलिस हरकत में आते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। आज शहर के हेलकार्ट रोड में बिना मास्क के लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध जमावड़ा करने वाले लोग पुलिस को देखते ही वहां से भाग निकले। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि लोग मास्क पहनकर ही घरों से जरूरी कामों के लिए बाहर निकले, नहीं तो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हिमताबाद के भरतपुर इलाके में 5 लोगों की आग से जलने से मौत मामले की BDO ने दी जांच के आदेश। उत्तर दिनाजपुर जिले के हिमताबाद थाना अंतर्गत विश्वपुर ग्राम पंचायत के भरतपुर इलाके में कृष्णमत मंडोला गांव में एक परिवार के 5 लोगों की मौत आग से जलने से हो गई। इसकी सूचना मिलते ही हिमताबाद ब्लॉक के BDO लक्ष्मीकांत रॉय घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरे इलाके में घूमकर मुआयना किया। इलाके का परिभ्रमण करने के बाद उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आग कैसे लगी इसकी सही तरीके से छानबीन की जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि परिवार के मुखिया ने आग लगाकर पूरे परिवार के साथ अपनी जान ले ली, लेकिन BDO ने जांच के आदेश दिए हैं क्योंकि यह भी संभव है कि किसी ने बाहर से ही आग लगा दी हो। यही कारण है कि BDO लक्ष्मीकांत रॉय ने इस मामले को उच्च स्तरीय जांच करने और एक रिपोर्ट देने को कहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। যেটা জানা গেছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা। রাত্রিবেলায় 3টার দিকে বাড়িতে আগুন লাগে, লোকজন জানতে পারে রাত্রিবেলা 3টায়। সেখানে জানার পরে জানা যায় যে একই ফ্যামিলির 5 জন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। 5 জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল। সেখানে এই মুহূর্তে জানা গেল যে সেও মারা গেছে। ঘটনাটা ঘটার কারণ এখনও জানা যায়নি, সেটা আমরা দেখছি।
কি কারণ থাকতে পারে, কেউ লাগিয়ে দিয়েছে সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে কি কোনো কিছু, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে এখনো সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। असम से बिहार तस्करी की जा रही लाखों रुपयों के स्पिरिट के साथ एक गिरफ्तार एनजीपी पुलिस की बड़ी सफलता। एनजीपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में स्पिरिट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए एनजीपी थाने की पुलिस ने फुलबाड़े इलाके से एक ट्रक से 37 ड्रम में रखे 200 लीटर अवैध स्पिरिट जब्त की। इस घटना में पुलिस ने ट्रक चालक कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध के बाद दूसरे राज्य से काफी मात्रा में शराब व शराब बनाने की सामग्रियां बिहार तस्करी की जाने लगी है। सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों को तस्करी का मुख्य कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारी मात्रा में स्पिरिट तस्करी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद एनजेपी थाने की सफेद वर्दी की पुलिस शुक्रवार देर शाम फुलबाड़ी इलाके में तस्करों को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठी थी। जैसे ही स्पिरिट लदा ट्रक वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि जब्त स्पिरिट का बाजार मूल्य 18 लाख रुपए है। यह स्पिरिट असम से बिहार तस्करी की जा रही थी। गिरफ्तार ट्रक चालक कृष्णदास काकद्वीप सुंदरवन का निवासी बताया जा रहा है। शनिवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कॉमिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। जस्ट अ क्लिक अवे, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्व के पहिलो कीटनाशक औषधि जिसको एक स्प्रेले भैक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस बैक्टीरिया र फंगस बाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने क्रियाहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहर को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
कि आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें ए से जेड तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अहमदाबाद के भरतपुर में सामने आई है रूह कांपने और दिल दहला देने वाली दुखद व मार्मिक घटना। आंशिक लॉकडाउन के कारण आर्थिक अभाव और परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाने के कारण एक पिता ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों के साथ खुद को किया आग के हवाले, 5 की हुई मौत। कोरोना के मद्देनजर राज्य भर में जारी आंशिक लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर पत्नी और तीन बेटियों के साथ खुद को आग लगा ली। उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के विश्वपुर ग्राम पंचायत के भरतपुर गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए। कुछ देर बाद राम भौमिक ने बंद कमरे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग में जलकर राम भौमिक, उसकी पत्नी शंकरी भौमिक, बेटी परना भौमिक और सरस्वती भौमिक की मौत हो गई। रायगंज के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12 साल की बच्ची रानी भौमिक की जलने से मौत हो गई। घटना से इलाके में भारी अशांति और मातम छा गया है। घटना की खबर मिलते ही अहमदाबाद पुलिस आज सुबह मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी। আড়াইটার দিক আমাকে একজন ফোন করে প্রসাব করতে বাইরে ছিল, ফোন করে বললো যে ওর বাড়িতে আগুন লাগছে। আগুন লাগছে তখন আমাদের গ্রামবাসী ভাঙে আসলাম, আসে দেখতেছি নানি টাটার টুকানো আছে আর বাড়িতে দেখছি আগুন জ্বলতেছে। আগুন জ্বলতেছে তখন কি করব, চারপাশে ঘুরলাম একটা পাক, ঢুকতে পারলাম না ভিতরে। এই যে ফাঁকাটা দিয়ে তখন ইয়া করে ভিতরে ঢুকলাম, যখন মেয়েটাকে দেখলাম মেয়েটা কাঁদতেছে আর পুরা শরীর পুরা। কি ব্যাপার? কোচ আমার বাবা কেরাজিন তেল দিয়ে নিজে নিজে জ্বালায় দিছে। কেন কেন জ্বালাইলো? তো ওই তখন ওইগুলা প্রশ্ন আমরা তো করতে পারবো না। তো তখন যে বাচ্চাটাকে তখন একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা দিলাম, বাকি বাদগুলোকে আর দেখা গেল না। টিনের ঝাঁপে একটা বাড়ি মারা গেল, তখন দেখতে যে ঘরে জ্বলতেছে চারজন, টানা পাগুলো জ্বলে গেছে। এটুকুই দাদা, চারজন, স্বামী স্ত্রী দুজন আর দুইটা বাচ্চা, আর একজন আছে, একজন হসপিটালে আছে, তিনটাই মেয়ে ওনার। না দাদা, সেটুকু কিছু বলতে পারবো না আমি। এটুকু জানি যে লোকটা খুব ভালো ছিল, বাস হট করে এই ঘটনা। এটা তো ব্যাপারটা আমরা রাতে শুনছি সকালে, আর রাতে 3টার সময় গিয়েছিল এখানকার মানে ভিলেজ পুলিশ খবর পেয়ে, যা দেখছে মানে সব কিছু মুছে গেছে। পরিবারে তো ওরা 5 জন, 5 জনের ভিতর 4 জন তো রাতেই, রাত 3টা 4টার দিকেই তো মানে অল বডি পড়ে গেছে। একজন বাঁচা ছিল, রায়গঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করছিল, কিছুক্ষণ আগে মারা গেল। সকালে আমরা আসে শুনছি যে দোকান বসার ছাগলি মোড়ে আলোচনা হচ্ছে, যে 2-4 দিন ধরেই ওর বলে একটা মানসিক চাপ আছে। কেন মানে টেনশন আর্থিকের জন্যই হতে পারে। আর ওর পরিবারে তো যদি কোহো থাকতো তাহলে ওর কাছ থেকে আমরা শুনতে পারতো। তো ওর পরিবারে তুই কোহো নাই, মানে কিছু করে নাই, কিছু করে নাই। আমার সেজে ভাই, আমার তো কিছু ঘটনাটা কিছুই মাথায় ঢুকছে না। ও তো কালকে আমাদের বাড়ি সন্ধ্যায় আসছিল, আসতে কিছুই বললো না, খালি মাকে দেখে গেল আর আমাদেরকে বললো যে ধানগুলা কাট,
মারছিস ভালো করে শুকাইস, এটা কথা বলে চলে গেল। তখন রাত তিনটার সময় ফোন আসলো, এইরকম ঘটনা, ওর বাড়িতে আগুন। তা আমরা ছুটে গেলাম, দেখছি যে ওর ঘরে একদম আগুন, ওরা সব জ্বলে পড়ে গেছে, আর বড় মেয়েটা ছটপটা খালি বাইরে বার হলো, এটাই দেখলাম। আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না, ও কীভাবে এরকম করলো, যদি ও আর্থিক ইয়ে হতো তো আমাদেরকে তো বলতো যে আমার এটা অভাব, এটা সেটা অভাব, কিন্তু সেটা বলা নেই আমাদের এখানে। বলতে কালকে আমি তো সকালে শুনলাম যে এরকম উনি, ওনার স্বামী স্ত্রী এবং তিন বাচ্চা, তিনজনেই একসাথে ঘরে ওই আগুন লাগিয়েছিল বলে মারা গেছে। তাতে একজন বড় মেয়েটা, ও বলে একটু জীবিত ছিল, ওকে রাত্রি বলে হসপিটালে নিয়ে গেছে, বা সেইটুকুই জানলাম। প্রাথমিকভাবে কি অনুমান করছেন? প্রাথমিকভাবে অনুমান হচ্ছে যে নিজেরাই সুইসাইড করেছে হয়তো। কারণ বলতে তিনি তো ভালো মানুষ ছিল, সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতো, পারিবারিক বিবাদও ছিল না এটুকু জানি। আর ফাইন্যান্সিয়ালি সমস্যা হলে হতে পারে, যেহেতু ইনকাম লকডাউনের মধ্যে ইনকামও নেই, আর পারিবারিক খরচাও প্রচুর, আর ঋণ টিনও সেরকম ছিল না, তবুও একটা ফাইন্যান্সিয়াল সমস্যার মধ্যে ছিল। कोरोना मरीजों के शवों के दाह संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हे की स्थापना। कालिम्पोंग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों के दाह संस्कार के लिए राज्य सरकार की पहल पर 3 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक चूल्हे की स्थापना की गई है। कालिम्पोंग में अगले सप्ताह इलेक्ट्रिक चूल्हे में शवों का दाह संस्कार शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कालिम्पोंग जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कोरोना संक्रमित लोगों के शव के लिए अलग से इलेक्ट्रिक चूल्हा लगाया गया है। वैक्सीन नहीं मिलने से मायूस लौटे लोग। जलपाईगुड़ी फार्मेसी कॉलेज के वैक्सीन सेंटर में शनिवार को ताला लटका रहा। वैक्सीन लेने के लिए काफी संख्या में लोग सुबह से यहां कतार में खड़े थे, जिन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं मिलने पर लोग आक्रोशित दिखे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग से यह नोटिस टांग दिया गया है कि शुक्रवार से रविवार तक वैक्सीन सेंटर बंद रहेगा। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग और जलपाईगुड़ी नगरपालिका सूत्रों ने बताया कि जलपाईगुड़ी जिला सदर अस्पताल में संवाददाताओं एवं परिवहन कर्मियों को वैक्सीन दी जा रही है। सोमवार से वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का काम शुरू होगा। हमारा नाम संजय गुहर है, हम वैक्सीन फर्स्ट डोज बंद, तो बुझते कब देवे সরকারের থেকে কি নির্দেশ এসছে, এখনও কোনো নির্দেশ টাকায়নি। আর আজকে দেখছি এখানে নোটিশ টাঙানো আছে 14, 15 এবং 16 পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, কী কারণে সেটা জানি না। হয়তো দোষটা মেইন হচ্ছে মানুষ এত বিভ্রান্ত হচ্ছে, 10 বার করে আসছে একটা সঠিক অনুসন্ধান কেন্দ্র বা যদি কোনো একটা ইয়েকে জানানো হয় যে এইভাবে ডোজটাকে দেওয়া হবে। কোনো কখনো কখনো শুনছি এখানে আমাদের যত হকার বা যারা দৈনন্দিন জীবনে এদিক ওদিকে এজেন্ট, এরা ফার্স্ট পাবে। আবার কখনো শুনছি যে 45 বছরের এখন দেওয়া হবে না, 18 বছরের দেওয়া হবে। আবার কেউ বলছে 18 বছরের দেওয়া হবে না, 45 বছরের দেওয়া হবে। এই বিভ্রান্তিগুলো যেন না সৃষ্টি হয়, সরকার তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কীভাবে আগামী ইয়েটা প্রোগ্রামটা করবে সেটা যদি সবাইকে ঠিকমতো জানায় তাহলে আমরা উপকৃত হব। অযথা কোনো জায়গায় ভিড়ও হবে না, আর মানুষের গ্যাদারিংটাও কম হলে মনে হয় যে সরকার যে উদ্যোগ সেটা ঠিক হবে। কারণ মানুষ গ্যাদার হচ্ছে, আলটিমেট তো যেটা উদ্দেশ্য সেটা সফল হচ্ছে না। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन को लेकर सख्त हुई पुलिस, 3 गिरफ्तार। राज्य सरकार की ओर से कल से राज्यभर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद शनिवार को पुलिस प्रशासन को और सक्रिय देखा गया। शनिवार को आंशिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ाई से अभियान चलाया। इसके साथ ही पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। जलपाईगुड़ी दिन बाजार इलाके में शनिवार सुबह 10 बजे के बाद बाजार और दुकानें खुली रहने की शिकायत मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के सिविल ड्रेस की पुलिस मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने निर्धारित समय के बाद खुले बाजार और दुकानें बंद कर दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अभियान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनने व सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुमारग्राम के विधायक मनोज कुमार ओराव ने कामाख्यागुड़ी ग्रामीण अस्पताल का किया मुआयना। स्वास्थ्य कर्मियों को दिया पीपीई किट। अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी ग्रामीण अस्पताल में ढांचागत व्यवस्था सुविधाओं का मुआयना करने के लिए आज कुमारग्राम के विधायक मनोज कुमार उराव पहुंचे थे।
ग्रामीण अस्पताल के दौरे के दौरान उनके साथ बीएमओएच डॉक्टर अंतु भट्टाचार्य सहित अस्पताल के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। पूरे अस्पताल का उन्होंने घूमकर ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट्स प्रदान किया। उन्होंने अस्पताल का मुआयना करने के बाद कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की काफी अभाव है। इसको लेकर सरकार के स्वास्थ्य विभाग के समक्ष जाएंगे और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट काल में चिकित्सा कर्मियों की योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। अपनी जान को जोखिम में डालकर वे लोगों की जान बचा रहे हैं। यही कारण है कि पीपीई किट्स प्रदान किया गया ताकि उनकी जीवन की रक्षा हो सके और दूसरों की जीवन की भी रक्षा कर सके। आज के शपथ ग्रहण पर विभिन्न जगह जाच्छी और समस्या गुलो आमी बुझार चेष्टा करछी और आमादेर बर्तमान जे मूल समस्या सेटा होच्छे कोविड तो कोविड परिस्थिति खाते दीते एसेछिलाम जानते एसेछिलाम कि अवस्था आछे ना आछे आमादेर एई ब्लके ताते खूब माने भालो खबर शुनते पाइनी और विभिन्न जगह छड़िये जाच्छे আমাদের এই এলাকা একদম প্রত্যন্ত এলাকা, মানুষ এখনো সচেতন নয়, এখনো মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছে না, এখনো মানুষ অকারণে বেরোচ্ছে। তো আমি বার্তা দিতে চাইছি যে আপনারা অবশ্যই কাজ ছাড়া বেরোবেন না, লকডাউনটা ফলো করবেন এবং অকারণে ঘোরাঘুরি করবেন না। এটা একদম প্রথম বার্তা। এটা আগে আমরা সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের প্রথম কাজ মানুষকে বাঁচানো, তার জন্য সবাইকে ঝাঁপাতে হবে। তার সাথে আমি আমাদেরকে একমাত্র আমাদের গ্রামীণ হসপিটাল আমাদের এই কুমাগ্রাম ব্লকের সব থেকে যারা বড়ো সেখানে একটু দেখা করতে এসেছিলাম, তার বিভিন্ন সমস্যাগুলো শুনেছি, সেগুলো আমি বিধানসভায় তুলবো, স্বাস্থ্য দপ্তরে যাবো আর আমাদের যে ফান্ড যদি আসে তাহলে ফান্ড থেকে আমরা বেশ কিছু কাজ করব। আর এটা রুটিন ভিজিট, এটা এমন কোনো ব্যাপার নেই যে আমি এসেছি, আমি মাঝে মাঝেই আসবো এবং সবসময় আস থাকবো এবং অবশ্যই কামাখুড়ি এই গ্রামীণ হসপিটালটাকে ভালো রূপ দেওয়ার চেষ্টা আমরা করবো। তার জন্যই আমার এই ভিজিটটা আছে, শুধু এখানে নয়, এরপর আমি যশোরাঙ্গাতেও যাবো, সমতলাতে যাবো, সব জায়গাতে আমি ভিজিটটা করবো। আজকে বাস এটাই, আর বিস্তারিত খবরগুলো দেখতে রয়ে এসকে লাইভ। আপনার সময় আপনি খবর, ধন্যবাদ।